Hello everyone. So in software engineering, today we will be studying the topics software design principle, modularization, abstraction and the types of abstraction, and software design strategies. So what is a software design? Software design is an iterative process through which requirements are translated into a blueprint for constructing the software. That means software design आपकी वो process है, एक iterative process है. Iterative मतलब बार बार होने वाली process है, repeat में होने वाली process है, जिसमें आप क्या करते हो, आपके जो requirement है, requirement को blueprint में, यानी कि रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन में आप कन्वर्ट करते हो. जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने आपके क्लाइंट से ली है, उन रिक्वायरमेंट्स को आप डिज़ाइन फेज में कन्वर्ट कर देते हो. इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं आपका घर बनाने से पहले आप उसका एक जो है एक उसका आर्किटेक्ट के पास आप जाके घर का ब्लूप्रिंट बनवाते हो, है ना, मैप बनवाते हो, काइंड ऑफ नक्शा जिसे हम कहते हैं. तो उसी तरह आपका सॉफ्टवेयर का जो है रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र से आपने लिए, आप उसका एक नक्शा बनाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, सैम्पल बनाते हो, दैट इज़ डिज़ाइन फेज. ठीक है, इसमें आपका और हम कह सकते हैं दैट द डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, है ना, जो हमें इनेबल करते हैं कि हम हमारे डिज़ाइन को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सके, उनके सारे एस्पेक्ट्स यानी कि पूरे रिक्वायरमेंट को हम क्या कर सके, एक ब्लूप्रिंट में एक्सप्लेन कर सके. सो डिज़ाइन प्रोसेस जो है आपका वो क्या कहता है, दैट ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस the software specifications are converted into the design models. That means requirement आपने convert की है एक blueprint में. Models describe the details of the data structure, system architecture, interfaces and components. यानी कि जो आपका model है, जो आपने एक sample बनाया है, वो आपका describe करता है कि आप उसमें क्या क्या जो है data structure use करने वाले हो, क्या interfaces होंगे, क्या components होगी, कौन सी language use करोगे, कौन से system में या कौन से software hardware में आप उसे बनाओगे, तो उसका एक detailed description होता है. Each design product is reviewed for quality before moving to the next phase of the software development. That means जो आपका design phase है वो आपका क्या करता है, वो आपकी क्वालिटी चेक भी बताता है आगे डेवलपमेंट फेज में बढ़ने से पहले. सो एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस अ डिज़ाइन मॉडल एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड. दैट मींस कि आपका डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन फेज में एक तरीके का जो डमी कह सकते हो काइंड ऑफ आपके सॉफ्टवेयर का, वो प्रिपेयर हो जाता है. द डॉक्यूमेंट इज कम्पोज ऑफ द डिज़ाइन मॉडल्स दैट डिस्क्राइब द different aspects जो हमने ऊपर भी पढ़े हैं. ठीक है, so principles आपके जो हैं design principles वो क्या क्या कहते हैं, आपके design principles हमारे क्या क्या कहते हैं. so design principles हमारे पहला है modularization. modularization का मतलब आप होता है that किसी भी problem को छोटे छोटे parts में divide करना. ठीक है, अगर कोई एक बड़ी problem है उसको अगर हम अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द पार्ट्स. सो सेम इज़ इन मॉड्यूलराइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम अंटिल द फाइन ग्रेन्ड कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड. यानी कि अंटिल छोटे छोटे पार्ट्स जो है आपके प्रॉब्लम के क्रिएट नहीं हो जाते, तब तक आप उसको क्या करते हो, रिफाइन करते हो. क्यों? क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज़ मच ईजियर देन सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. सो व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्शन? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा only to show the meaningful data to the user, not showing the unnecessary details. है ना, user को जो काम की चीज़ है वो user को दिखाना, unnecessary चीज़ों को ना show करना, that is abstraction. ठीक है, so abstraction is the view of an object that focus on the information. यानी कि user को सिर्फ information दिखाना जो relevant हो user की, बाकी ignore करना उन चीज़ों को जिससे user को मतलब नहीं है. जैसे कि हम कोई भी application access कर रहे हैं तो हमें सिर्फ front end से मतलब होता है, जो हमें देखना है. अब उसके पीछे क्या coding है, क्या logic है, क्या database use हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, वी जस्ट वॉन्ट आर डेटा टू बी एक्सेसिबल एनी टाइम एंड एनी वे वी वॉन्ट. सो एब्स्ट्रैक्शन कैन बी एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा प्रोसीजर ऑल द बिहेवियर, वी कैन से दैट. ओके, सो डिज़ाइन कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन आपकी क्या कहती है कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे चल रहे हैं, है ना, प्रोसीजरल यानी कि आप इसमें एक्शन विद द प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हो.
ठीक है, प्रोसीजरल मीन्स आप स्टेप्स भी बताते हो, दैट फॉर एग्जांपल इफ आई विल से दैट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ दैट यू नीड टू गो टू द किचन, किचन इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट रूम, देयर यू विल फाइंड अ फ्रिज, देन यू विल ओपन द डोर ऑफ द फ्रिज एंड देन यू कैन गेट अ बॉटल एंड देन पोर द वाटर ऑन द ग्लास एंड देन गेट मी दैट ग्लास. सो आप क्या बता रहे हो, स्टेप्स भी बता रहे हो टारगेट के साथ, सो दैट मीन्स अ प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स अ डेटा ऑब्जेक्ट. ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन फॉर डोर विल बी अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द डोर, यानी कि डोर का टाइप क्या होगा, स्विंग डायरेक्शन, वेट, डायमेंशंस एंड ऑल दैट, मींस डेटा एब्स्ट्रैक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रैटेजीज फॉर योर सॉफ्टवेयर डिजाइन. सो व्हाट स्ट्रैटेजीज फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन सेज, अ डिजाइन और अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, है ना, और वो कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट खुद में ही क्या करते हैं, इंडीड अ सिस्टम दैट हायरार्की ऑफ, लाइक इन अ हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, तो आपका इसमें क्या होता है, आपको किसी भी सिस्टम को, अ गुड सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रैटेजी इज टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम मॉड्यूल्स इन सच अ वे दैट दे आर इजी टू डेवलप एंड लेटर टू चेंज. दैट मीन्स किसी भी सिस्टम के जो डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, कौन सी डिज़ाइन स्ट्रैटेजी अच्छी होती है जिसमें सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट इजी हो और लेटर ऑन आप आगे चल के उसमें चेंजेस भी कर सके. इसके टाइप होते हैं टॉप डाउन, बॉटम अप एंड हाइब्रिड. सो टॉप डाउन दैट मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आना. सो दिस स्टार्ट्स विद अ जर्नलाइज्ड मॉडल ऑफ द सिस्टम एंड कीप ऑन डिफाइनिंग द मोर स्पेसिफिक पार्ट्स. ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या करते हो, ज़्यादा स्पेसिफिक पार्ट्स डिस्क्राइब कर करते रहते हो. इसमें आपका क्या, इसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है ये हाई लेवल से और हायरार्की में प्रोसीड करता है नीचे की तरफ. इसमें आपका क्या होता है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी हम इसको है जो कह सकते हैं. ठीक है, इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एडवांटेज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोकस होता है आपका रिक्वायरमेंट में सिर्फ. ओके, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो रिफाइनमेंट हो रहा है, द मेन रिक्वायरमेंट इज गेटिंग फ्रैगमेंटेड लेटर ऑन. ठीक है, सो टॉप डाउन when we can use, when the problem is well understood, जब आपको problem के बारे में पूरा पता हो और अच्छे से पता हो तब आप क्या use कर सकते हो, top down use कर सकते हो. ये mostly use होती हैं आपकी scientific applications में, ठीक है, compiler में, editing, इन सब चीज़ों में. so bottom up यानी कि नीचे से ऊपर के लिए, bottom up design क्या करता है, starts करता है with the lower level component of the hierarchy and proceeds through the progressive higher level to the top लेवल कॉम्पोनेंट, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जाता है डिज़ाइन. इट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम दैट वन ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व एंड वी हैव टू रीयूज, लाइक वी हैव रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स, देन फॉर्म देयर एंड यू नो देन वी कैन फ्रॉम देयर वी कैन वर्क अपॉन द अपवर्ड्स सॉल्यूशन. यानी कि इसमें आपका क्या होता है, ये स्टार्ट होता है उन प्रॉब्लम से जो हमें पहले से बहुत अच्छी तरह पता होती है और हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ. ये क्या करती है, हाई लेवल कंपोनेंट क्रिएट करती रहती है, लाइक इट क्रिएट्स हाई लेवल कंपोनेंट्स अंटिल द डिजायर्ड सिस्टम इज नॉट एवॉल्व, लाइक अंटिल द डिजायर्ड सिस्टम हमें नहीं मिल जाता तब तक ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है. ठीक है, सो दिस इज बॉटम अप. सो हेयर वी विल गो फ्रॉम बॉटम टिल अप. सो व्हेन वी कैन यूज बॉटम अप, बॉटम अप कैन बी यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्ट आर नॉट स्पेसिफाइड. टॉप डाउन कब यूज़ कर रहे थे, जब बिल्कुल स्पेसिफाइड थी, पता था. और बॉटम अप कब कर रहे हैं, जब हमें क्लियर नहीं है इतनी. ठीक है, या फिर हम बॉटम अप कब यूज़ कर सकते हैं, जब कोई बने बनाए सिस्टम से, कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे हमें कोई नया सिस्टम बनाना है. ठीक है, उसके रेफरेंस से नया सिस्टम बनाना है या फिर बने बनाए सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करना है. ये मोस्टली यूज़ होता है आपका रियल टाइम एप्लीकेशंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में और मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में. सो हाइब्रिड आपका क्या होता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन. एंड यू नो लाइक बॉटम एंड टॉप डाउन अप्रोचेज आर नॉट प्रैक्टिकली इंडिविजुअली. ठीक है, वो प्रैक्टिकली जो है आपके अलग अलग नहीं है. ये क्या होता है, उनका एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करना. सो दैट इज़ नोन एज योर हाइब्रिड डिज़ाइन स्ट्रैटेजी. सो दिस वॉज ऑल इन दिस PPT. थैंक यू.